हरे कृष्णा। तो आज हम सभी हरिनाम की महिमा श्रवण करेंगे। हरिनाम जो है भगवान का पवित्र नाम, तो कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। तो कलयुग में भगवान जो हैं वो अपने नामों के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं, तो कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, क्योंकि स्वयं कृष्ण जो हैं अपने ही अपने को ही यानी कि नाम के रूप में, शब्द के रूप में जो है उन्होंने इस कलयुग में नाम के रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए इस नाम को जपने के लिए, इस नाम का भजन करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए बता रखा है इस कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है, नाम चिंत नाम भज नाम कर सार, कलयुगे माझे धर्म नहीं आर। नाम का ही चिंतन करना है और नाम ही सार है, नाम बिना किछु नहीं आर 14 भुवन माझे, तो 14 लोकों में भी नाम के अतिरिक्त और कोई सार नहीं है। तो नाम चिंत नाम भज, नाम का ही भजन करना है और नाम ही सार है, कलयुगे माझे धर्म नहीं आर। और इस कलयुग में अन्य कोई भी धर्म नहीं है। अन्य कोई धर्म का मतलब क्या है, जितने भी कैतव मन से बनाए हुए, जैसा कि भगवान भगवद्गीता में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ कि भगवान कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे मानसिक मन से तुमने उत्पन्न किए हुए धर्म हैं तुम्हारे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं काला हूँ, मैं बुरा हूँ, यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, इसको छोड़ करके तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मेरे हो, ममय अंशो जीवलोके, तुम मेरे हो और सनातन हो, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तो इस संसार में जो तुम घोर संघर्ष कर रहे हो मन और छहों इंद्रियों के द्वारा, किस लिए, तुम मेरे हो लेकिन मेरे से तुम अलग हो चुके हो, तो वापस मेरे से तुम कैसे मिलोगे। तो भगवान ने अपने से मिलाने के लिए सबसे सरल साधन इस कलयुग में जो है यही पवित्र नाम जो है, वो नाम के रूप में स्वयं प्रकट हुए। अब इससे सरल और क्या हो सकता है, नहीं तो बड़े बड़े लोग व्रत रखते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उसमें सामग्री चाहिए, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण चाहिए और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन सब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना इतना समय है, ना ही पूजा की ठीक से हम पूजा की पद्धति ही जानते हैं, और ना ही वो कलयुग का धर्म है। तो क्या है, खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है, नियमते स्मरणे न कालह। उन सभी लोगों को खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान कितना सरल बना दिए हम सब लोगों के लिए, कि खाते वक्त भी तुम नाम ले सकते हो, सोते वक्त भी नाम ले सकते हो, खाईते सुईते यथा तथा जैसे तैसे, आप जैसे जिस स्थिति में हो कोई विशेष नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। तो कितना सरल है, आप सोते सोते जप कर सकते हैं। नियमते स्मरणे का मतलब रात के 12 बजे आपको नींद नहीं आ रही है, आप जप कर सकते हैं, जप करते करते मन भगवान में जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। तो इसीलिए सारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं सभी, आप भगवद्गीता में भी सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, मेरे भक्त क्या करते हैं, सदैव मेरा कीर्तन करते हैं। और यहाँ तक कि भागवत के जो 12वें स्कंद का आखिरी श्लोक है उसमें भी फिर समराइज करके क्या बता रहे हैं, अंतिम श्लोक में भागवत के, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये जो नाम है, नाम संकीर्तन करने से, एक है नाम जिसको हम खुद अपने लिए जप करते हैं और एक है जब हम संकीर्तन करते हैं, जब दूसरों को सुनाते हैं या प्रभात फेरी निकालते हैं रोड में, हरिनाम जगन्नाथ रथ यात्रा उसमें अन्य जीवों को भी सुनाते हैं, तो वो जो हैं अपना जप करने से भी 100 गुना ज़्यादा अधिक फलदायी है, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर अनेक जीव जिनने कभी नाम सुना ही नहीं, वृक्ष उसको भी जो है नाम सुनने को मिल जाता है। तो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी प्रकार के पाप हैं, जितने भी टाइप के पाप हैं, जितना व्यक्ति मन से वाणी से कर्म से
बता रखा है वो सब का सब पाप जो हैं माफ हो जाते हैं केवल नाम संकीर्तन करने से। तो ये है अद्भुत हरिनाम की महिमा। तो इसीलिए इस हरिनाम को हमें सदा जो है कीर्तनीय सदा हरि, हमें जो है सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुबह उठने से लेकर शाम तक, गाड़ी में बैठने से लेकर उतरने तक, सोने से लेकर उठने तक, सदा जो है भगवान का नाम मुख में होए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।